आगे की बात है, जब आप कार्बोकैटायन बना चुके हैं और आप ये समझ चुके हैं कि रिंग एक्सपेंशन और रीअरेंजमेंट अगर पॉसिबल हुआ तो हो पाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। स्टेप थ्री लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे एलिमिनेशन टू फॉर्म अल्कीन। अब यहाँ पे एक्चुअली बेटा टेम्परेचर का पॉइंट ऑफ डिफरेंस है, क्योंकि हमने हीट करके 170 डिग्री तक सेल्सियस तक टेम्परेचर ले गया है, इसलिए जो जो भी कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन के बाजू वाला यानी कि बीटा कार्बन का जो हाइड्रोजन है सर, ये सी बॉन्ड एच टूटने के लिए, अगर आपको अल्काइल हैलाइड का एलिमिनेशन याद हो तो वहाँ पे तो सर एक स्ट्रॉन्ग बेस आता था जो बीटा कार्बन को हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देता था, तो वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन खींच के बाजू वाले कार्बोकैटायन को दे देता था या बाजू वाले कार्बन को दे देता था। E2 में तो इकट्ठा काम किया था अपन ने। यहाँ पे एक्चुअली बेटा अब कोई बेस की मौजूदगी तो है नहीं, हमने तो एसिड लिया हुआ है इनफैक्ट, और टेम्परेचर हाई अप करेगा ये कि कार्बोकैटायन तो बन गया है, ये कार्बोकैटायन इस बाजू वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन डिमांड भी कर रहा होगा, लेकिन ये सी बॉन्ड एच टूटने में, क्योंकि पहले बेस की मौजूदगी थी जो अब नहीं है, तो हाई टेम्परेचर वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। कौन सी बॉन्ड डिसोसिएशन? जो इस सी बॉन्ड एच को तोड़ने में मदद करेगी। हेंस द टेम्परेचर इज ऑफ वेरी ग्रेट इम्पॉर्टेंस, कि अगर आप 170 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो उतना सफिशेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो कि सी बॉन्ड एच को तोड़ पाए वो मिल जाएगी, और ये एच टूटेगा वैसे ही, कैसे? इन फॉर्म ऑफ एच प्लस। मतलब अल्टीमेटली ये जो कार्बन है ये इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और लेके किसको दे रहा है? बाजू वाले कार्बन को। तो मैं एरो वैसा ही बना रहा हूँ, ये उससे क्या हो रहा है सर, वो H निकल गया इन फॉर्म ऑफ H+, देखो यहाँ लिखा भी है माइनस H+, और यहाँ क्या बन गया, यहाँ क्या बन गया? इथीन। ये पानी यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों सर? पानी कहाँ जाएगा? अरे यार ऊपर तुमने OH- निकाला अल्टीमेटली पानी से, हाँ OH- है, H2O बन के निकला, ऊपर दिख रहा है? हेलो, स्टेप टू में पानी निकला है ना, एक बार दिखा भी देता हूँ, स्टेप टू में पानी देख लो निकला है कि नहीं। शायद प्रोडक्ट में नहीं बेटा, यहाँ पानी अपन ने लिखा नहीं था, ये गलती है, ये गलती सुधार कर लो बेटा, यहाँ पे आपको प्लस H2O लिखना चाहिए। तो ये जो OH निकला था इस एल्कोहल से, वो निकला था इन फॉर्म ऑफ H2O, इतना लिख लिया, आगे बढ़ जाऊँ? और नीचे वाले स्टेप में H+ निकला है, तो अल्टीमेटली पानी तो निकल गया और बन गया अल्कीन, बना दो अल्कीन। तो ये वो मैकेनिज्म है जिस मैकेनिज्म को हम कहते हैं E1, क्योंकि SN1 जैसे यहाँ पे पहले कार्बोकैटायन बना और निकला, शायद अपन ने अल्काइल हैलाइड्स में देखा था, वो जनरली बीटा एलिमिनेशन यानी कि E2 से एलिमिनेट होते हैं। अल्कोहल ऑन द अदर हैंड कार्बोकैटायन बनाता ही है, क्यों? क्योंकि शायद आपको ये बात पता भी है कि सी बॉन्ड नॉर्मली टूटता नहीं है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम होती है, और वही अगर सी बॉन्ड एक्स अल्काइल हैलाइड्स की बात करो तो हेलोजन क्योंकि बड़े होते हैं तो ये बॉन्ड आसानी से टूट सकता है, इसलिए ये जनरली E2 से एलिमिनेट होते हैं और अल्कीन बनाते हैं। अल्कोहल E1 से एलिमिनेट होते हैं और अल्कीन बनाते हैं। अगर आप कंपेयर करो SN1 को, SN1 भी दो स्टेप प्रोसेस था, ये भी दो स्टेप प्रोसेस है, भले आपने तीन स्टेप लिखे हो, पर बेसिकली कार्बोकैटायन बनना पहला स्टेप मान लो और ये दो स्टेप है ना। हालांकि लिखवा नहीं रहा हूं, पर एक कंपैरिजन करा रहा हूं SN1 और E1 का। वहां पे भी सर मॉलिक्युलैरिटी 1 थी, क्यों? क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल था, यहाँ पे भी देख लो मॉलिक्युलैरिटी 1 है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो कि स्टेप 2 लिखा है आपने उसमें एक ही व्यक्ति है, वो है प्रोटोनेटेड अल्कोहल। हेलो हेलो, यस सर, ठीक है, इतना लिखो लिखो तो, हाँ बोलो। सवाल है कि मेरे पास नाम भी लिख लीजिएगा, ब्यूटेन टू ऑल है, इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ कंसेंट्रेटेड या सिंपली H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस, प्रोडक्ट बना रहा हूँ ए और बी, ए को बोल रहा हूँ मेजर, बी को बोल रहा हूँ माइनर। अब क्योंकि आपने अल्काइलाइट पढ़ा हुआ है तो क्या आप जितना सोच अभी जाना है और जितनी आप पिछली जानते हैं उससे मुझे बता सकते हैं कौन मेजर कौन माइनर? प्रयास करना आंसर, वरना देखो लिखते भी रहें। और ये यहाँ पे इस बच्चे ने ये भी किया हुआ है कि इसको, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है सर, डबल बॉन्डेड कार्बन यानी कि अल्कीन में भी हाइपर कॉन्जुगेशन भी देखा जा सकता है स्टेबिलिटी देखने के लिए, जो क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज होता है जैसे कार्बोकैटायन हुआ करता था, उसके बाजू वाला कार्बन ये है बाजू 3 है, इसके बाजू वाला ये है 3 है, तो इसके पास 6 हाइपर कॉन्जुगेटिंग हाइड्रोजन्स हैं, वेर एज ये डबल बॉन्डेड कार्बन की इधर तो कुछ नहीं है और इधर एक है, तो इसके पास केवल 2H है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो कि प्रोडक्ट स्टेबिलिटी के हिसाब से भी ये बनना चाहिए, ये माइनर है। अब अगर कॉमन सेंस आपको बताऊं
तो आपने जो मैकेनिज्म देखा उससे भी ये काम कर सकते हो। पहले इतना लिखो, सबने लिख लिया इतना, आगे बढ़ सकता हूँ। चलो नेक्स्ट लाइन से लिख दो बेटा एक बार फिर से मैकेनिज्म। बहुत आसान सी चीज़ है, कुछ कठिन नहीं है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए अलग से। भाई सर आपने ब्यूटेनॉल ब्यूटेन टू ऑल बनाया सर, हमको पता है सर, पहले एच प्लस अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन के लोन पर उसके पास जाएंगे, एल्कोहल प्रोटोनेट हो जाएगा, और जैसे प्रोटोनेट होगा चिढ़ जाएगा, तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच के अल्टीमेटली पानी निकाल देगा। आप गौर करो, मैंने दो स्टेप को इकट्ठा लिख दिया, प्रोटोनेटेड एल्कोहल और कार्बोकेटाइन में इकट्ठा बना दे रहा हूँ। क्या बन जाएगा बच्चों? कार्बोकेटाइन इस कार्बन पे आ जाएगा। अब खुद सोचो रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं। सर ये वाले कार्बन जाने का कोई अर्थ नहीं, और इधर भी चला जाए तो बात सेम ही है, क्योंकि यहाँ लगे या यहाँ लगे बात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए रीअरेंजमेंट कराने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होना है। उसके बाद क्या होगा? बीटा कार्बन। हाँ सर, मतलब जो सिटजेफ रूल वहाँ पढ़ा था यहाँ भी वैलिड है। हाँ है, ना लिखा हो पर फिर भी आपको समझ में आ रहा है। सर दो बीटा कार्बन है, इसके पास होगा H3 और बाजू वाले के पास होगा H2। उस बीटा कार्बन के हाइड्रोजन निकालते हैं सर जिसमें हाइड्रोजन कम हो। क्यों? क्योंकि जनरली सर हाइड्रोजन कम होता है तो जो प्रोडक्ट बनता है ना ज़्यादा स्टेबल बनता है, आपको पता भी है, और फिलहाल ये बात वैलिड भी है। नीला वाला हाइड्रोजन निकालोगे जिसमें हाइड्रोजन कम है तो जो अल्कीन बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल है, ऐसे में कम स्टेबल है। शायद आपको ये बात भी समझ में आती है, इसको लिख लीजिए। लिखिए तो। हाँ बोलिए। इसको मैंने क्यों लिखवाया ईथर में वो समझाऊँ। पॉइंट क्रमांक 3 लिखेंगे बेटा, तीसरा पॉइंट की हेडिंग्स आपको दिख भी रही है, डाल देंगे। लिखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू फॉर्म ईथर, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे SN2, यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, शायद आप ऑलरेडी जानते हो। इसमें भी स्टेप वन वही है बेटा, मैंने नाम नहीं लिखा और आप समझ सकते हो। स्टेप वन सेम है, क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल। मैं कहता हूँ लिख भी लेना, जो स्टेप वन पिछले का था इसका भी वही है। मतलब पहले स्टेप में होगा ये कि एल्कोहल तो सर अभी भी है, एच प्लस तो अभी भी आप एसिड तो डाल ही रहे हो, भले जब ईथर बन रहा था रिएजेंट तो वही था H2SO4। क्या करेगा? एच प्लस देगा, ठीक है, दे दे भैया एच प्लस। देखा एच प्लस तो क्या होगा? एल्कोहल के लोन पर जाएंगे सर, एल्कोहल प्रोटोनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये लिख लो, सेम है। स्टेप वन लिखो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, और ये रिएक्शन लिखो। लिखो तो। हाँ बोलो। एनर्जी दी कैसे थी? 170 डिग्री सेल्सियस से। अब 170 डिग्री सेल्सियस ऐसा तो नहीं है बेटा कि कार्बोकेटायन बनने के बाद आप करोगे सर टेम्परेचर, तो आपने शुरू से हाई रखा होगा। हाँ बेटा, तो बेटा जब हम टेम्परेचर शुरू से हाई रखते हैं, और हमें एक्सपेरिमेंटली पता है बात कि जब वो 170 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, तो होता ये है बेटा कि कार्बोकेटायन बनने में भी मदद हो जाती है। क्यों? क्योंकि प्रोटोनेटेड एल्कोहल को भी पानी निकालने में और इस कार्बन पे कार्बोकेटायन पहुंचाने में, इस कार्बन पे ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। बॉन्ड तोड़ने में क्या लगती है बच्चों? अरे ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है माना, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है माना, उस पर प्लस है माना, वो चिढ़ा हुआ है माना। अरे चिढ़ा हुआ आदमी घूसा मारेगा तो एनर्जी लगेगी ना। हेलो हेलो यस सर। भाई उस दिन रोटी खा के नहीं आया है तो तुम भले चिढ़े हो कहाँ घूसा मार लोगे। तो अल्टीमेटली बॉन्ड तो सर तोड़ा जा रहा है। आवाज़ आ रही मेरी सबको? तो अल्टीमेटली सर बॉन्ड तो यहाँ भी टूट रहा है, और बॉन्ड तो अगले स्टेप में जब सी बॉन्ड एच टूटना था, जो कि एक्चुअली पोलर नहीं होता, वहाँ पे तो कोई नहीं चिढ़ा था। भाई जो अगला स्टेप है जिसमें CH3 का सी बॉन्ड एच तोड़ते हैं बाज बीटा वाले कार्बन का, वहाँ पे तो कोई चिढ़ा हुआ नहीं था, फिर भी वो बॉन्ड टूटा ना सर। हाँ तो कैसे टूटा होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिली होगी। कहाँ से मिली बेटा? ये जो एक्सेस ऑफ टेम्परेचर है ना, ये वो एनर्जी देता है। अब अगर टेम्परेचर 170 ना 140 पे मेंटेन्ड है, तो अब ये फैक्चुअल बात है बेटा, ये आपको कॉमन सेंस हालांकि समझ में भी आ रही है सर। 30 डिग्री सेल्सियस ना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी घटा देगा, और ये हमें एक्सपेरिमेंटली याद होना पड़ेगा कि ये घटी हुई काम अभी बॉन्ड तोड़ने नहीं देगा। तो सर क्या होगा फिर? आइए देखते हैं। पर शायद ये समझ गए हम कि बॉन्ड क्यों नहीं टूट रहा है, क्योंकि एनर्जी उतनी सफिशेंट नहीं मिली, तो आदमी कुछ और व्यवस्था करेगा। अब आइए व्यवस्था क्या कर पा रहा है वो देखते हैं बेटा। ये देखो कार्बो, ये अल्टीमेटली प्रोटोनेटेड एल्कोहल में ये जो ऑक्सीजन है जिसमें प्लस चार्ज है, ये अल्टीमेटली इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन तो डिमांड कर ही रहा है, बस इसके पास चिढ़ा तो हुआ है पर्याप्त, पर इतनी शक्ति नहीं है कि खींच के घूसा मार के इलेक्ट्रॉन खींच ले सके। तो क्या होगा? तो ये समर्थन चाहेगा। कहाँ से समर्थन मिलेगा? ये देखें, अल्टीमेटली ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन तो डिमांड कर रहा है, परेशान तो कर रहा है, बस घूसा नहीं मार पा रहा।
अच्छा, मतलब इलेक्ट्रॉन खींच तो रहा है। खींचने से क्या होगा बेटा? खींचने तो होगा ये सर कि पार्शियल पॉजिटिविटी तो आ ही रही है ना, मतलब पॉजिटिविटी जनरेट तो होने ही वाली है। हेलो, बोलना पड़ेगा। अरे बोलो। यस सर। अच्छा, भले पूरा पूरा कार्बोकेटायन आया नहीं है, जनरेट तो हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर कम है। अच्छा, तो व्यवस्था क्या है सर? व्यवस्था है बेटा कि ऐसा ही दूसरा मॉलिक्यूल, भाई ऐसा तो नहीं है आप एल्कोहल डालोगे तो एक मॉलिक्यूल होगा सर, एक बूंद भी डाल दोगे तो करोड़ों मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वैसे ही एल्कोहल जैसा दूसरा मॉलिक्यूल आएगा, उसके लोन पर जिंदा है, आपने एस एन रिएक्शन में देखा भी हुआ है कि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच की तरह बिहेव कर सकता है। और इलेक्ट्रॉन रिच चीज़ क्या करती है? प्लस का पीछा क्या कहलाती है? न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल अगर ये लीविंग ग्रुप लीव नहीं किया है, लीव करने ही वाला है, तो ये न्यूक्लियोफाइल आ ही रहा है। और आएगा कैसे अगर वो लीव नहीं किया है? बैक साइड, तभी लिखा हुआ है बैक साइड अटैक। बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। यस सर। तो ये ऑक्सीजन के लोन पर बैक साइड अटैक करेंगे इस कार्बन पे, क्यों? क्योंकि इसमें पॉजिटिविटी आने ही वाली है जब ये जाने ही वाला है लीविंग ग्रुप। तो ये कैसे बिहेव कर रहा है बच्चों? ये लिखा भी हुआ है बच्चे ने, नेगेटिवली चार्ज नहीं है पर इलेक्ट्रॉन रिच तो है। अब ये बैक साइड अटैक होगा तो कहानी क्या होनी है सर? ये पानी निकल जाएगा। पहले देख लो बेटा, SN2 हुआ, अल्टीमेटली पानी निकला, तो -H2 मैंने यही लिख दिया, डिहाइड्रेशन हो गया अभी भी, परंतु बना क्या देखना। ये पानी निकला सर, सर देखो ये R था यानी कि CH3CH2, CH3CH2 न्यूक्लियोफाइल, ये सर OH, ये OH, लेकिन ऑक्सीजन ने अपने लोन पैर दे दिए हैं इसलिए ऑक्सीजन पे आ गया प्लस। किसको दिए हैं? ये वाले कार्बन को, CH2 को, तो CH2 उसके साथ लग क्या लगोगे? CH3, पानी तो निकल गया, अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन में प्लस आ गया। तो ये बना क्या? ये बना प्रोटोनेटेड। पर क्या प्रोटोनेटेड? अगर बेटे ये एच हटा दोगे तो ईथर दिख रहा है आपको, तो ये प्रोटोनेटेड ईथर बना। प्रोटोनेटेड ईथर, अभी रुक जाइएगा, लिखिएगा नहीं, प्रोटोनेटेड ईथर उसी स्टेप में मैं लिख रहा हूँ बेटा। क्या ये ऑक्सीजन एच प्लस रखेगा? नहीं सर, इसके पास तो गरीब आदमी भी है, कौन है? हाइड्रोजन। तो गरीब का इलेक्ट्रॉन ले लिया जाएगा और अल्टीमेटली ये -H+ होगा और ये ईथर बन गया। दिख रहा है? लिखो। शायद आप ये टेम्परेचर का योगदान अब समझ पाए हो कि सर अधिक टेम्परेचर से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिल जाती है जिससे एलिमिनेशन हो जाता है, कम टेम्परेचर से इस केस में सब्स्टिट्यूशन होता है क्योंकि एक्सेसिव टेम्परेचर ना होने की वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी नहीं मिल पाती, तो आदमी कुछ और ऑप्शन खोजता है। कुछ और ऑप्शन ये है कि दूसरा मॉलिक्यूल सब न्यूक्लियोफाइल बन के अटैक कर देता है। शायद समझ पा रहे हो सब लोग, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, अभी भी कहानी खत्म नहीं कर रहे हैं, पॉइंट क्रमांक 4 लिखेंगे और इंग्लिश में इस चीज़ को मेंशन कर देंगे, तो थोड़ी और जानकारी हासिल करेंगे। तो पॉइंट क्रमांक 4 में लिखेंगे बच्चों। अच्छा, पॉइंट क्रमांक 4 में मैंने नॉट फॉर बोर्ड्स लिख दिया है क्योंकि ऊपर वाले मैकेनिज्म बेटा NCERT में मेंशनड है, इसलिए ऊपर वाले दोनों, इसलिए अभी तक मैंने तीसरे पॉइंट तक जो भी पढ़ा वो सब आपको बोर्ड लेवल तक भी आना चाहिए, है ना। पॉइंट क्रमांक 4, इसमें आप JEE डाल सकते हो। पहले हेडिंग लिखेंगे, लिख रहे हैं कि द अबव रिएक्शन फॉलोज SN1 पाथवे वेन, कॉमा लगा के, वेन द एल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्शरी, फुल स्टॉप। हाउ एवर द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स डू नॉट करस्पॉन्ड टू, हाउ एवर द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल्स टू गिव करस्पॉन्डिंग ईथर इज अनसक्सेसफुल एज एलिमिनेशन कम्पीट्स ओवर सब्सटीट्यूशन। पहले इंग्लिश लिखो, लिखो तो हाँ बोला, अच्छा डिस्कशन। अब जो इंग्लिश नहीं है ना, मैंने समझाई है तो सर समझाओ। नहीं बेटा, मैं एग्जाम्पल पहले बता रहा हूँ फिर समझाऊँगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो बेटा, ऊपर वाली इंग्लिश समझने के लिए हम सबसे, हाँ सबसे पहले ये JEE लिख दिया मैंने, पॉइंट क्रमांक 4 में मैंने JEE लिख दिया। सबसे पहले लिखेंगे एग्जाम्पल Roman No. 1, फिर से काम करूँगा। जो अल्कोहल मैंने लिया था वही अल्कोहल मैंने लिया है, 1 डिग्री अल्कोहल है। अब ये अलग से मेंशन कर रहा हूँ मैं, अल्कोहल की डिग्री कैसे देखी जाती है, OH जिस कार्बन जुड़ा है वो कितने कार्बन जुड़ा है, तो एक अल्काइल ग्रुप एक है तो 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस, सर मैकेनिज्म के साथ पता है एल्कीन बन जाएगा। अरे प्रोपीन बना दिया इसने तो। बच्चों एक काम करो, इसको ना ये बना दो, प्रोपीन बना दो, CH3CH2, ठीक है। एग्जाम्पल में Roman No. 1 लिखो बेटा, प्रोपीन बन रहा है, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? बोलना पड़ेगा।
वही हमको पता है, अगर CH3 CH2 CH2H यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल में मैं वही एसिड यूज़ करूँ पर टेम्परेचर 140 कर दूँ, तो सर एलिमिनेशन की जगह सब्स्टिट्यूशन होकर ईथर बन जाएगा, ये भी हम जान चुके हैं। ईथर कैसे बनेगा सर? सर यही वाला अल्काइल ग्रुप रखो और एक जगह ओ लगा और दूसरी जगह यही वाला अल्काइल ग्रुप लगा दो, एच सीधा ही हटा दो, सीधा सीधा प्रोडक्ट बन गया। मैकेनिज्म देख लिया है पर पहले अभी तो सीधा प्रोडक्ट बनाने की बात है, तो इसको कंबाइंड लिख दो। तो C3 है सर, H3 2 5 2 7, तो C3H7 एक तरफ सर, ओ C3H7 दूसरी तरफ सर, नाम जनरल नाम लिखा है डाई प्रोपाइल ईथर, तो ये भी शायद समझ में आता है, लिखो तो। हाँ बोलो, मैंने क्या बोला? ये तो बड़ा आसान सा है सर, एल्कोहल ले लो सर, एसिड ले लो सर, अगर 170 करोगे तो हम सर इसका OH हटा के कार्बोकेटाइन लगाएंगे, रीअरेंज करेंगे। हालांकि यार रीअरेंज कर भी लो तो इधर कार्बोकेटाइन आ जाएगा, फिर भी इधर या इधर कहीं भी एक का OH हटाओगे बात वही होगी, प्रोपीन बनेगा सर। 140 डिग्री कर दोगे सर, हम एलिमिनेशन नहीं कराएंगे, हम सब्स्टिट्यूशन करा देंगे, हम ऐसा ही अल्काइल ग्रुप को बुलाएंगे और उसी में जोड़ के दे ईथर बना देंगे। ये तो सर जानते हैं, ये क्या नया बता दिया। ये अगर आप गौर करो बच्चों, तो दोनों 1 डिग्री एल्कोहल थे, अगर मैंने एल्कोहल की डिग्री बढ़ा दी, जैसे मैंने डिग्री रोमन नंबर 3 लिखूंगा, मैंने डिग्री इसकी 2 डिग्री एल्कोहल कर दी। इसका जनरल नेम आपको पता है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल या प्रोपेन टू ऑल, आप लोग जनरल नेम भी लिख लेना बच्चों, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का अगर आप रिएक्शन कराओगे बच्चों H2SO4 के साथ, लेकिन 140 डिग्री सेल्सियस में, तो अब ये एक 2 डिग्री एल्कोहल है। अगर एल्कोहल 1 डिग्री हो तो अगर मैकेनिज्म नहीं भी लगाना हो तो भी आंख बंद करके आप ईथर बनाना सीख चुके हो, लेकिन अगर एल्कोहल 1 डिग्री नहीं है और 2 डिग्री है और टेम्परेचर 170 होता तो हम एलिमिनेशन करना जानते हैं, इवन करना जानते हैं, एल्कोहल हटाते, कार्बोकेटाइन बनाते, बाजू वाला हाइड्रोजन हटा देते। लेकिन अगर 140 डिग्री है सर तो हम तो ईथर की सोचेंगे, आपने यही ना सिखाया है। पर अगर 2 डिग्री एल्कोहल है बेटा तो देखो क्या है, कह रहा हूँ मैं, मैकेनिज्म में फिर से लिख रहा हूँ। अगर 2 डिग्री एल्कोहल है, H+ आएगा, एल्कोहल प्रोटोनेट होगा क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतनी नहीं है, तो ये बॉन्ड टूटना चाहेगा। ये मैं फिर से नेक्स्ट टाइम से लिख रहा हूँ, और सच्चाई ये है बेटा, ये बॉन्ड मैं तोड़ के कार्बोकेटाइन बना दे रहा हूँ। क्यों सर? आप विवाद करोगे, सर अच्छी पंचायत कर रहे हो, अभी आप बोले थे कि 140 डिग्री सेल्सियस में इतना टेम्परेचर नहीं, इतनी एनर्जी नहीं होती कि कार्बोकेटाइन बन पाए, तभी ना आप बैक साइड अटैक कराए थे SN2 का, ऐसा ही है ना। लेकिन सर अभी कहाँ से आपने ये हटा दिया बेटा? 100, अब ये भी फैक्चुअल बात है लेकिन कॉमन सेंस से शायद आपको समझ भी आएगी बेटा, 140 डिग्री सेल्सियस भले कम है पर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने में तकलीफ ज़्यादा होती है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने में उतनी तकलीफ नहीं होती, आप जानते भी हो क्योंकि शायद आपने 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री के केस में अल्काइल एसिड में NCERT नहीं, आपको एक एक्सपेरिमेंटल डेटा भी दिया था कि अगर 1 डिग्री कुछ याद है ना, मैंने NCERT में दिखाया था, ये अगर 1 गुना है तो वो 30 गुना होगा और वो ज़्यादा होगा, मतलब 1 डिग्री बहुत ही घटिया, बहुत ही ख़राब कार्बोकेटाइन है, कम स्टेबल नहीं है, ख़राब है। तो 1 डिग्री बनना बहुत कठिन है, अधिक टेम्परेचर 30 रुपये 30 डिग्री सेल्सियस का कॉन्ट्रीब्यूशन एक्स्ट्रा लगेगा तभी बन पाएगा। वेयर एज अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री है वो बनना इतना तकलीफ वाला नहीं है, 3 डिग्री तो ऑब्वियसली बन ही जाएगा, 2 डिग्री भी 140 डिग्री सेल्सियस में कार्बोकेटायन बनने में तकलीफ नहीं है क्योंकि ये संतुष्ट है। ये बात समझ में आ रही है, फ़र्क क्या है बोलना पड़ेगा। अब सर अगर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, मान लेते हैं कार्बोकेटायन बना सर, अभी भी दूसरा एल्कोहल तो तैयार ही होगा, अगर सब्स्टिट्यूशन की बात है सर तो दूसरा सब्स्टिट्यूशन में करना क्या था, सब्स्टिट्यूशन में सर एक दूसरा मॉलिक्यूल आके अटैक करता था। अच्छा, लेकिन सर वो तो अटैक SN2 से करता था बेटा क्योंकि लीविंग ग्रुप लीव नहीं किया होता था। अभी फिलहाल भले टेम्परेचर कम है, लीविंग ग्रुप को लीव करने में टेंशन नहीं है, वो कार्बोकेटाइन में कहेगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तू जा मैं बन जाऊँगा, तो लीव हो गया। अगर लीव हो गया तो कार्बोकेटाइन हो गया, अगर सब्स्टिट्यूशन कराओगे सर तो हो तो अभी भी सकता है, लेकिन ये तो SN1 कहलाएगा, याद है ना, कार्बोकेटाइन बनने के बाद अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये SN1 कहलाता है। तो अब इस अब एक काम करो, अभी भी आप करा सकते हो, तो मैं 2 ऑप्शन दिया हूँ, पहला SN1 करा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन अभी भी करा रहा हूँ पर SN1 लिख के, और SN1 लिख के क्या होगा, दूसरा मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल है बेटा, दूसरा मॉलिक्यूल के लोन पेयर मैंने देखो कार्बोकेटाइन पे अटैक कराया, और एक काम करो उसी स्टेप में आप हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी ले लो ताकि आपको बार बार ना लिखना पड़े, और यहाँ पे -H+ भी लिख दो। तो दूसरा मॉलिक्यूल ये ओ के साथ जाके जुड़ेगा और फिर से सर ईथर बन जाएगा, ईथर का नाम क्या होगा, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप था तो जनरल नाम होगा डाई आइसोप्रोपाइल ईथर, अभी ये प्रतिशत मत लिखना, अभी केवल डाई आइसोप्रोपाइल ईथर इतना लिखो, लिखो तो। हाँ बोलो, थोड़ा सा यहाँ पे सोचने वाला लॉजिक केवल ये है बेटा,
कि सर टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है, पर अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री में तो और बेटर काम हो जाएगा। तो 2 डिग्री में ही मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अल्कोहल 2 डिग्री है तो भले 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है सर, 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो सर एक्चुअली ना ये कार्बोकैटायन आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ये कार्बोकैटायन स्वेच्छा बनना चाहेगा, और ये कार्बोकैटायन स्वेच्छा 1 रुपए की भी एनर्जी रिक्वायर ना करते हुए, हाँ थोड़ा बहुत जो भी रिक्वायर करेगा वो टेम्परेचर एक्स्ट्रा ना रिक्वायर करते हुए, हीट कंटेंट उस टेम्परेचर का ना रिक्वायर करते हुए खुद ब खुद बन गया है। अब अगर खुद ब खुद बना है सर, तो भले 140 डिग्री सेल्सियस है, अभी भी हीट कंटेंट पर्याप्त इतना मौजूद है जो कि बाजू वाले कार्बन को सी बॉन्ड एच तोड़ने में भी मददगार साबित हो सकता है, बचा हुआ हीट कंटेंट 140 डिग्री सेल्सियस का ही। सर ये आप कैसे कह सकते हो? बेटा ये एक्सपेरिमेंटली मुझे पता है, जो कि आपको भी पता होना चाहिए, मैं केवल आपको लॉजिक दे रहा हूँ। अगर ऐसा हो सकता है सर कि कार्बोकैटायन इतनी इज्जत से इतनी खुशी से बन गया कि बनने के लिए उसको हीट कंटेंट लेना ही नहीं पड़ा, वो खुद ब खुद बन गया, तो बचा होगा 140 में भी, और वो बाजू वाले बीटा कार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करा देगा, सी बॉन्ड एच के लिए अपने को एनर्जी मिल जाएगी, और एलिमिनेशन भी हो सकता है इवन, और भी हो सकता है से प्रोडक्ट क्या बना रहा हूँ बच्चों, मैं यहाँ मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ बच्चों, एलिमिनेशन करा दो बेटा इस कार्बोकैटायन में, तो प्रोपीन, प्रोपेन लिखा हुआ है, प्रोपीन लिख देना। और अब एक्सपेरिमेंटल जानकारी सुनो बेटा, ये एग्जैक्ट डेटा दे रहा हूँ मैं आपको, जब प्रोपीन के साथ ये जब प्रोपेनॉल के साथ ये काम किया गया तो ये पाया गया बेटा कि एलिमिनेशन हो रहा है लगभग 45% और सब्स्टिट्यूशन हो रहा है लगभग 55%। मतलब बेटा भले अभी भी मेजर प्रोडक्ट कौन है? ईथर। अगर आपसे कोई गर्दन पकड़ ले और पूछ ले 2 डिग्री में भी मेजर प्रोडक्ट कौन है, तो आप मोर ऑर लेस कह रहे हो ईथर। लेकिन बेटा अब आपको मेजर ईथर बोलने में ना तकलीफ होगी, क्योंकि 40, 55 और 45 बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे केसेस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको पता है क्या कहती है? प्रोडक्ट क्या रिपोर्ट करो? प्रोडक्ट रिपोर्ट करो एक नहीं, बोलो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है। आप कहोगे नहीं सर 50-50, अबे यार प्रैक्टिकल लाइफ से सोचो ना, 50-50% देखो प्रैक्टिकली कोई बनता भी नहीं है, इसको हम लगभग 50-50 ही मान रहे हैं। इसलिए ऐसे केसेस में मैं प्रोडक्ट क्या रिपोर्ट करूंगा? मेजर प्रोडक्ट दोनों को, और लिखूंगा क्या? और लिखूंगा क्या? आप प्रतिशत भी लिख दो, और लिखूंगा क्या? ये देखो इंग्लिश लिखी हुई है, मिक्सचर ऑफ ईथर एंड अल्कीन इज ऑब्टेन्ड। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? रोमनम बताइए, 3 डिग्री अल्कोहल है सर, अब कार्बोकैटायन और शिद्दत से बनेगा, और अब अगर आप 140 डिग्री सेल्सियस भी रखते हो सर, अभी केवल एलिमिनेशन ही कराऊंगा मैं, क्योंकि हटाया कार्बोकैटायन बनाया, और क्योंकि और हीट कंटेंट कम लगा होगा तो पर्याप्त मात्रा में हीट कैपेसिटी मौजूद है जो कि केवल सी बॉन्ड एच हटा के एलिमिनेशन ही कराएगी। आप गौर करो, इसका एच हटा, इसका ओ एच हटा, मतलब अल्टीमेटली पानी रिलीज हुआ, और मेजर प्रोडक्ट ही मैं केवल क्या बना रहा हूँ? अल्कीन। मैं ईथर रिपोर्ट तक नहीं कर रहा, क्योंकि अब 1 डिग्री में मैंने केवल ईथर रिपोर्ट किया था, 3 डिग्री में मैं केवल ईथीन रिपोर्ट कर रहा हूँ, अल्कीन रिपोर्ट कर रहा हूँ, और 2 डिग्री मैंने मिक्सचर रिपोर्ट किया था, और यही मैंने इंग्लिश लिखाई हुई है पॉइंट क्रमांक 4 में, कि देखो भले टेम्परेचर कम रखो, 1 डिग्री में ईथर बनेगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में ईथर बनना और ईथर बनाना एक अनसक्सेसफुल काम है। क्यों? क्योंकि 2 डिग्री में भी ईथर कहाँ बना पूरा? 50 आधा ही ना बना मोटा मोटा। तो इसलिए 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के केस में, 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के केस में ईथर बनाना इस प्रकार से एक सक्सेसफुल मेथड नहीं माना जाता। हेलो, इनफैक्ट 3 डिग्री में तो बनेगा ही नहीं, 2 डिग्री में लिए बना है लेकिन आधा बना है, तो 100 रुपये का काम करके 50 रुपया का चीज़ बेच पाओगे? थोड़ी उसको प्रिपरेशन कमर्शियल मानोगे? बात समझ में आई? जो चौथा पॉइंट लिखा है उसका बोलना पड़ेगा सबको।